ठीक है। हेलो हेलो, देखो हम बोले ना, मैंने माइक मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है। दोनों आदमी आ रहे तो ठीक है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे न्यूज़ 9/24। मज़हब इस्लाम में शब बारात की एक अपनी अहमियत है और ये जो सब है काफ़ी कद्र की निगाह से देखी जाती है। आज हमारे दरमियान ऐसे एक इस्लामी स्कॉलर मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कई दिनों से ये दीनी खिदमात के साथ साथ इस्लाह मुआशरा भी कर रहे हैं और पूरे इलाके में अपनी इनफरादी शख्सियत के हवाले से ये जाने जाते हैं। आज हमारे दरमियान अलहाज सैयद अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि शबे बारात में और क्या करना चाहिए जो हमारे लिए सदका भी हो और हमारे लिए राह की निजात भी हो। मौलाना साहब, सबसे पहले खुश आमदीद हमारे चैनल में। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस रात के हवाले से आप बताएं। नाज़रीन हाज़रीन, ऐसा है कि आलम इस्लाम में और इस्लाम के अंदर इस रात की बड़ी अहमियत है और आका अलैहिस्सलाम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई है। असहाब ने भी, हज़रत अली और दीगर असहाब ने भी इसकी बड़ी फजीलत और अहमियत बयान फरमाई है। ताबईन में ख्वाजे हसन बसरी और दीगर अइम्मा इज़ाम ने भी इसकी बड़ी अज़मत बयान की है। तो दरअसल जो है ये रात जो है वो इबादत की रात है। ये रात जो है खसूसी तौर से दुआओं की रात है, इबादत की रात है, मुनाजात की रात है, इस्तग़फार की रात है, रब ताला को राज़ी करने वाली रात है कि आप अपने रब को राज़ी कर लें। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि खासकर मर्द के साथ ख़वातीन भी होती है, तो ख़वातीन का क्या मामूल हो, वो मगरिब से लेकर सुबह तक उन क्या काम करें जो उनके लिए भी राह निजात हो। ऐसा है कि मर्दों के साथ साथ जो भी अहकाम है वो मर्द और औरत के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि मर्दों के लिए पांच वक्त की नमाज़ है, औरतों के लिए तीन वक्त की नमाज़ है, या मर्दों के लिए एक महीने का रोज़ा है, औरतों के लिए जो है 20 दिन का रोज़ा है। ऐसा कुछ नहीं। तमाम अहकाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, ये तमाम मसावी अहकाम है। मालदार औरत है तो उस पर भी ज़कात है, उसके लिए भी कुर्बानी है, और मर्द है तो उसके लिए। हमारे हिंदुस्तान में ये बीमारी है कि मर्द अपने नाम से कुर्बानी कर लिया, बीवी के पास में दुनिया भर का जेवर है और बैंक बैलेंस है, उसकी कुर्बानी नहीं होती है। क्या समझे, खुद अकेले चले गए हज करने के लिए, उमरा करने के लिए, उसको छोड़ दिया। तो ये सारी बहुत सारी कमी है, खामी है, नादानी है, और कसदन भी है और सहवन भी है। इस किस्म के बहुत सारे मामलात हैं जो लोग जो है जानबूझ करके नहीं इसको पूरा करते हैं, उस हक़ को नहीं अदा करते हैं औरतों से मुताल्लिक जो है। तो ऐसी सूरत में आज की रात का जो ताल्लुक़ है, ये इबादतों का, तिलावतों की रात है, ये मर्दों औरतों के लिए बराबर है। अब रहा सवाल ये है कि औरतों के ज़िम्मे उमूर खानादारी है, छोटे बच्चों की किफालत है, तो इन सारे उमूर में वो फंसी रहती हैं। उस पर साहब उनका अपना शौक़ होता है कि कुछ चने का हलवा बना लिया, तो कुछ मूँग दाल का हलवा बना लिया, तो कुछ जो है साहब सूजी का हलवा बना लिया, तो कुछ ये हलवा, कुछ वो हलवा, तरह तरह के हलवा बनाते ही वो जो है रात के 12 बजा देती हैं। अब रात के 12 बज गए, हलवा बनाते बनाते, पकाते पकाते, गोश्त पकाते, रोटी पकाते, फातिहा नियाज करते, इसी में जो है उनका वक्त गुजर जाता है। घंटा दो घंटा कुछ वो इबादत तिलावत की, और उसके बाद फिर जो है वो सेहरी का वक्त हो जाता है, खाने पीने पकाने में उनका वक्त सर्फ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ये चीज़ दुरुस्त है कि इस रात में अपने दस्तरखान को वसी करें, अकरबा के साथ खाएँ खिलाएँ, फ़ुकरा को भी खिलाएँ पिलाएँ, उनकी जो है ज़ियाफ़त करें, इसका अलग सवाब है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी रात जो है वो सिर्फ ज़ियाफ़त में और पकाने खाने में रह जाएं और अपनी इबादत को छोड़ दें। औरतों की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं और ख़ास तौर से माओं की दुआएं औलाद के हक़ में ज़्यादा कबूल होती है, बीवियों की दुआएं शौहर के हक़ में ज़्यादा कबूल होती है। तो इस ताल्लुक़ से जो है औरतों को चाहिए कि बीवियाँ अपने शौहरों की सलामती के लिए, माएँ अपने बच्चों की सलामती और कामयाबी के लिए, माएँ अपनी बेटियों की जनाब खुशबख्ती के लिए, खुश नसीबी के लिए इस रात में दुआ करें। जहाँ जहाँ बेटियाँ घर में बैठी हैं, माएँ उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह गैब से उनके लिए अच्छे आसमान। जी 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 मौलाना, बड़ी कीमती बात आप बता रहे थे। हमने देखा कि खासकर शबे बारात के मौके पर बहुत लड़के होते हैं जो बाइक लेके इधर से उधर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मस्जिद के बाहर
गपबाजी में पूरी रात गुजार देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेगा? ऐसा है कि ये गार्जियन की कमी है, गार्जियन ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की है, तो जो बच्चे दीन से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, कुरान नहीं पढ़ा उन्होंने, दीनियात नहीं पढ़ा है, उन्हें तस्बीहात याद नहीं है, तो वो बच्चे जो है वो रात भर रोड मास्टरी करते हैं। हमारे यहाँ देखते हैं कि रोड के ऊपर में पड़े हुए हैं, रोड किनारे पड़े हुए हैं, नदी में पड़े हुए हैं, उधर पीछे बालू पर जाकर देखिए तो 20 लड़के पड़े हुए हैं, और उसमें से जो है ये टिन एज के लड़के जो हैं ये ज़्यादा बदमाशी करते हैं, किनारे में सिगरेट फूँक रहे हैं, साहब बीड़ियाँ पी रहे हैं, खैनियाँ खा रहे हैं, खुदा को मालूम है क्या क्या खाते पीते हैं। बहरहाल तो सबका लुबुलुबाब यही है कि गार्जियन की ये कमी है, खामी है, और उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की, अच्छी निगहदाश्त नहीं की। बहुत सारे उमूर में गार्जियन को मुतनब्बे किया जाता है तो कहते हैं भाई लड़के हैं बाहर में क्या करते हैं, अब कौन देखता है, कौन जानता है? भाई कौन देखता है, आप गार्जियन हैं, आप उनकी निगहबानी कीजिए, उनके दोस्तों से मालूम कीजिए कि हाँ भाई ये पान बाहर खाता है कि पान पराग खाता है, ये 420 खाता है कि 660 खाता है, क्या क्या खाता है, गांजा पीता है कि चरस पीता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो गलत रवि की शिकार होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपसे पूछा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गार्जियन की भी अपनी जिम्मेदारी है, और गार्जियन जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाएंगे तो उनके खामियाजे भुगतने पड़ता। अब मौलाना साहब रही बात सभी बारात के बाद, फिर एक हम लोग देखते हैं एक रोज़ा का भी लोग रखते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को रोज़ा के ताल्लुक से बताएं कि इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या अफादियत है। रोज़ा जो है ये इस्लाम का बड़ा इम्पोर्टेंट रुकन है, रोज़े की बड़ी अपनी अहमियत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि शब बरात की रात में जो शब बेदारी करे और सुबह दिन में रोज़ा रखे तो अल्लाह तबारक व तआला एक साल शब बेदारी और एक साल रोज़ा रखने का सवाब उसे अता फरमाता है। तो शब बेदारी और रोज़ा ये दोनों बहुत ज़रूरी है और इसका बड़ा सवाब है और रखना भी चाहिए। रोज़ा रखने से बड़े फ़ायदे आपको हासिल होते हैं, ख़ास तौर से अमराज शिकम से बड़ी सलामती हासिल होती है। इसलिए ये शब बरात की शब बेदारी, रात की इबादत और दिन में रोज़ा, ये दोनों का बड़ा अजर व सवाब है और दोनों की बड़ी अहमियत है हदीस पाक की रोशनी में, हुजूर के फरमान की रोशनी में। और चाहिए भी यही कि इसके ताल्लुक़ से जो है वो ख़ुद भी रोज़ा रखें, ख़ुद भी इबादत करें, अपने बच्चों को भी इबादत कराएं। और मैं तो ये कहूँगा कि बेहतर होगा कि इस रात अपने घर में इबादत करें तो ज़्यादा सवाब है, ताकि ज़िक्र पाक के अनवार से आपका घर मुनव्वर हो, ज़िक्र पाक के नूर से आपके घर की बलाएँ दूर हों, तिलावतों के अनवार से आपके घर से तमाम तरह के शर व फसाद जो है वो दूर हो जाएँ और रहमतों का नुज़ूल हो। बेहतर है कि ज़्यादा वक्त जो है अपने घर में तस्बीह पढ़ें, इबादत करें, तिलावत करें, कुरान पढ़ें, जिक्र व अस्कार करें, और उसके बाद कुछ वक्त के लिए मस्जिद में भी जाएं, वहाँ भी नमाज़ें अदा करें, कुछ वक्त के लिए कब्रगाहों में भी आएं, अपने वालदैन और अहले ख़ानदान के लिए दुआएं खैर करें, बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआएं खैर करें। इस रात में तमाम मोमिनात के लिए, मोमिनीन के लिए दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, और कबूलियत की रात है। इस रात में ज़्यादा मुनाजात, दुआएँ, आहोजारियाँ, आंसुओं के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, तमाम मोमिनीन की मगफरत के लिए दुआ करें, सलामती के लिए दुआ करें, अपने मुल्क में खुशहाली और सलामती के लिए दुआ करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए मौलाना, अच्छा चलते तो ये चाह रहे हैं कि हम लोग खुशकिस्मत है कि इस रात को हम लोग होली भी देख रहे हैं और शब बारात भी देख रहे हैं, दोनों त्यौहार हम लोग को एक साथ मिला। मैं चाहता हूँ कि बींग एज ए स्कॉलर, आखिर आपकी पैगाम क्या है इस मौके पर? आखिरी पैगाम यही है कि हर मुसलमान को चाहिए कि इबादतों के साथ, तिलावतों के साथ, सखावतों के साथ जुड़ा रहे, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को मजबूती के साथ दाखिल करे, शामिल करे, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, अपने बच्चों को दीनदार बनाए, दीन का शगफ़ और शौक़ उनके अंदर पैदा करें, अपने बच्चों को कुरान की सूरतें याद कराएँ, दुआएँ याद कराएँ, और अपने बच्चों को नेक बनाएँ, फरमा बरदार बनाएँ, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन हो। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चलिए आप देख रहे थे न्यूज़ लाइन 24, खुर्शीद आसनसोल।